अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर के कुठेड़ा का एक 15 साल का बच्चा गत शाम से अचानक गायब होने का समाचार मिला है। जानकारी के अनुसार कुठेड़ा के 15 साल का आदित्य अपने दोस्तों के संग गत दिवसबल गांव के साथ बने हुए चेक डैम में नहाने के लिए गया हुआ था, लेकिन बाद में घर वापस नहीं लौटा है, जिस पर घर वालों ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने बलगाम के पास बने चेक डैम में भी तलाश की और चेक डैम के पास से बच्चे के कपड़े जूते बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने साथ लगती हुई खड्ड में भी बच्चे की तलाश की है, लेकिन कुछ सुराग हाथ नहीं लगे हैं। हमीरपुर के कुठेड़ा का एक 15 साल के बच्चे के गत शाम से अचानक गायब होने का समाचार मिला है। जानकारी के अनुसार कुठेड़ा के 15 साल का आदित्य अपने दोस्तों के संग गत दिवसबल गांव के साथ बने हुए चेक डैम में नहाने के लिए गया हुआ था, लेकिन बाद में घर वापस नहीं लौटा है, जिस पर घर वालों ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने भल गांव के पास बने चेक डैम में भी तलाश की है और चेक डैम के पास से बच्चे के कपड़े और जूते बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने साथ लगती हुई खड्ड में भी बच्चे की तलाश की है, लेकिन कुछ सुराग हाथ नहीं लगा है। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में अक्सर स्कूली बच्चे बंक मारकर चेक डैम में नहाने के लिए पहुंचते हैं और डैम काफी गहरा बताया जा रहा है। सुबह के समय मौसम खराब होने के कारण बच्चे की तलाश के लिए जुटे ग्रामीण और पुलिस को दिक्कतें पेश आई है। गायब बच्चा हमीरपुर के निजी स्कूल में जमा एक का छात्र है। स्थानीय युवा ने बताया कि सुबह ही पता चला कि गांव के पास बने हुए चेक डैम में बच्चा डूब गया है, लेकिन अभी तक बच्चे की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि अभी पुलिस नहीं आई है और उसके आने के बाद ही बच्चे के बारे में पता चल सकेगा। बच्चे की माता अंजलि ने बताया कि पिछले कल सुबह 9 बजे से घर से चला गया था, लेकिन देर शाम तक वापिस नहीं आने पर दोस्तों से पूछा तो बताया कि नहाने गए हुए थे और उसके बाद आदित्य का कोई पता नहीं है। ग्रामीण मदन लाल कौंडल ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की परेड के बाद बच्चा घर नहीं पहुंचा और देर शाम को भी नहीं आने पर हर जगह तलाश करना शुरू कर दिया है, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि आज दूसरे दिन भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन जल्द बच्चे की तलाश नहीं करता है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि कुठेड़ा से कोई बच्चे यहाँ पे नहाने आए थे पहले परेड के बाद। एक बच्चा है, उसका अंदेशा लगाया जा रहा है कुछ शायद यहाँ पे डूब गया है। अभी रिसर्च उसकी चल रही है तो कंफर्म है कि क्या हो रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। पुलिस की टीम भी आएगी, सुनने में आ रहा है। अभी कब आती है पुलिस की टीम ये अभी बोल नहीं सकते हम। शाम को भी रिसर्च करके गए हैं, लेकिन अभी लोगों ने कुछ नहीं लाई है। अभी भी गाँव वासियों ने भी और पुलिस के भी कुछ आदमी दोनों ने रिसर्च की है। अभी भी कुछ नहीं मिला। बारिश के बाद दोबारा स्टार्ट की जाएगी। अंदेशा होता है हमारे को भी सुबह ही पता लगा था यहाँ पे कि कोई लड़का है स्कूल से आया हुआ कुठेड़ा गांव का निवासी है और यहाँ एनडीआरएफ की टीम आई थी, डैम में छानबीन वगैरह की है उन्होंने और अभी तक कुछ पता नहीं चला है। भी आगे की कार्रवाई भी पूछ पड़े आ रहे हैं। क्या नाम है? कुंडा भी टोकरा अभी तक मिला नहीं। अभी पुलिस आएगी तब भी पता लगेगा। कब से गुम हुआ? कल दोपहर से 2 बजे से बता रहे हैं। सर 9 बजे से निकला था वो घर से परेड के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आया। मैंने सोचा वो आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। घर में गेस्ट आ रखे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मेरे को 5:30 बजे मेरे को लगा कि नहीं आया, तो मैंने सभी बच्चों से नज़दीक वालों से पूछा, तो बोलते नहीं आया, वो हमारे साथ नहीं गए खेलने। तो फिर मैंने घर आके बताया, 3-4 चक्कर मारे हेडपम्प के भी जहाँ बस रुकती है, लेकिन मेरे बच्चा मिला नहीं मेरे को। तो SHO से मिले तो क्या बताएगा? वो बोल रहे थे कि गोताखोर भेजेंगे कि वो ढूंढेंगे, फिर असली नतीजे पे बोल देंगे कि क्या है। वो उनका कुछ पता नहीं है। और भी बच्चे गए थे, 3-4 बच्चे गए थे, लेकिन वो कोई स्कूल से बच्चे गए नहीं दे रहे। अच्छा ज्ञान नहीं दे रहे, कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले कभी बोले। वो दिमाग में फर्क है उसके कि मेंटल हो गया, जबकि वो 3 दिन पहले 13,000 रुपया वहाँ से लेके गया। ऐसे कुछ नहीं है। उन बच्चों को भी पकड़ो जो सजा मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे का पता दे दे या मुझे बच्चे के बदले बच्चा चाहिए। तो मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस बच्चे के जो भी बच्चे के साथ घटना घटी है, इस बच्चे को अगर जल्दी जल्दी हमारे पास नहीं किया गया तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और बिल्कुल यहाँ पर जो है चक्का जाम कर देंगे हम इसके लिए। और जल्दी से बच्चे को जो टेस्ट किया जाए और जो भी मुजरिम है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ना ही किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी।